ट्विंस की शूटिंग। एनी टीवी वेरी लकी दे हैव यू आई मस्ट से। जिन जिन आदमी को तूने टपकाने के लिए कहा था बाजे गया उनको टपकाने, और कोई काम है तो बोल। ये झूमर नीचे गिरा क्या नीचे? फिर भी क्या लगता है कि मैं नहीं बताऊंगी। फिर भी आपको एपिसोड ही देखना पड़ेगा। बट स्टिल आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। कहते ये झूठ है। ऐसे ही बोलेगी या मेरा बिरयानी खत्म करने के बाद बोलेगी? ये वैसे घूस खाती है, ये खाना वाना खाने के बाद ही सब काम करती है। कहते जो सब लोग कह रहे हैं वो झूठ है। हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बोल रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं भगाया है, पर मेरे पे इल्जाम और इल्जाम पे इल्जाम लग रहा है। और मैं इनको भी बोलना चाह रही हूँ पूरे सीन में कि एटलीस्ट आप तो मेरा विश्वास करो, और ये देखो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं मेरा। कुछ बोलने वाली थी। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ नक्को। मुझे भूख लग रही है, तो अभी तो मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ बोलूं। नहीं नहीं, गोली खाने का आपने बता दिया क्या होता है, तो मैं गोली नहीं खाऊंगी। खिलाए? मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। अब दत्ता काकू के दिमाग में यही चल रहा है कि नकुशा ने उसे धोखा दिया है, और उसे अब तक इतने दिनों से झूठ कहा है। वो उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, उसकी इज्जत करता था, वो जो बोलती थी उस पर आग बंद करके भरोसा कर देता था। चिट्ठी आई है हमारे सामने, चिट्ठी में नकुशा का नाम लिखा है भागने वाले ने। तो जब तक उस स्टोरी का साइड टू नहीं पता लगेगा, तब तक तो कोई भी इंसान उसी पर विश्वास करेगा, पर इस चिट्ठी के बाद सब कुछ पलट चुका है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पे रखेंगे, पर वो गन लेके सारा टाइम ही घूमते रहते हैं। थोड़ा सा गुस्सा होता है तो गन निकाल लेते हैं। लोग मोबाइल फोन रखते में गन रखता हूँ, लोग मोबाइल फोन रखते में गन रखता हूँ। जो भाग गए वो पराए थे, तो उनके पीछे कितना सर तोड़ सकते अपना। ये तो अपनी थी जिसे धोखा दिया, तो नेचुरली मेरे एक ख्याल से एज दत्ता आई थिंक ज्यादा गुस्सा इसी पर होगा। कहते ना को तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा से करती हूँ।